कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अभी तक अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा एक बार फिर एनडीए को मजबूती देने में जुटी हुई है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर जीतना चाहती है। ऐसे में विपक्षी एकता कहीं बीजेपी का खेल ना बिगाड़ दे, इसीलिए भाजपा अभी से एक्टिव मोड में आ गई है। सूत्रों की माने तो 18 जुलाई की बैठक में एनडीए के करीब 30 से अधिक दल शामिल होंगे। एनडीए की बैठक है खास, इस बैठक में शामिल होंगे कई दल। इसमें AIADMK और शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, NPP यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ NDPP, SKM यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, JJP जननायक जनता पार्टी, IMKMK यानी इंडिया मक्कल कालवी मुन्नेत्र कड़गम, आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, RPI यानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, MNF मिजो नेशनल फ्रंट, TMC तमिल मनीला कांग्रेस, IPFT त्रिपुरा, BPP बोडो पीपल्स पार्टी, PMK पाटली मक्कल कच्ची, MGP महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, AJP असम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, UPPL यानी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, AIRNC ऑल इंडिया NR कांग्रेस पुडुचेरी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ढींढसा, जनसेना पवन कल्याण, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मुकेश सहनी की पार्टी VIP, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, NCP अजीत पवार गुट बैठक में शामिल होगा। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो मोदी अपने सहयोगी दल के नेताओं को क्या कुछ मंत्र देते हैं यह बेहद खास होगा। फिलहाल राजनीतिक हालात देखकर भाजपा को लग रहा था कि भूले बिसरे और बिछड़े सहयोगियों को एक साथ लाना जरूरी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि जो भी राष्ट्रवादी दल होगा, देश का विकास चाहता होगा, वह एनडीए के साथ आएगा। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि एनडीए में सभी दल के लिए दरवाजा खुला हुआ है, सभी अपने हैं, पराया कोई नहीं। हम पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, हमारे सहयोगी देश के निर्माण में सहयोग करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं कर रहे, देश के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी के बढ़ते हुए कद जो विश्व में बना उसको सहयोग कर रहे हैं, और जो हमने गरीबों के दुखों को हरने का काम किया उसमें सहयोग कर रहे हैं। इसलिए एनडीए की बैठक जो है, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं हम, उसके बावजूद सबको जोड़ रहे हैं। ये सबके सब लोग देश की तरक्की के लिए एक महायज्ञ चल रहा है, उसमें आहुति देने के लिए आ रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ थे, और जो लोग किसी कारण से गए भी अगर वो आ रहे हैं, तो हमने नो एंट्री का कोई बोर्ड नहीं लगाया। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा। खड़गे ने कहा कि अभी तक तो भाजपा कह रही थी कि अकेले प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष पर भारी हैं। फिर ये बैठक क्यों हो रही है? मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है, फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं, वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं, उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम। बहरहाल एनडीए में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समय के साथ आए और चले गए, और फिर समय के साथ एनडीए में आ गए। अब ऐसे सियासी दोस्तों से भाजपा की कब तक बनती है, यह देखने वाला होगा। राजीव तिवारी, सच बेधड़क, दिल्ली।